न्यूटन करियर जयपुर का एक ऐसा लक्ष्यभेदी इंस्टीट्यूट जहां बच्चों को सिर्फ किताब ही नहीं प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया जाता है। यहीं से शुरू होती है बच्चों के करियर की मजबूत फाउंडेशन, जहां प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की टीम दिन रात मेहनत कर तैयार करती है एकलव्य। आप भी अपने बच्चों को न्यूटन करियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला कर सकते हैं उनके सपने पूरे। आज ही स्क्रीन पर लिखे नंबरों पर कॉल करें और अपने बच्चों के भविष्य को दें नई दिशा। नमस्कार, एनबीसी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं सलोनी कासलीवाल आपके साथ। आधुनिक जमाने में पढ़ाई का स्तर काफी ऊंचा होता जा रहा है, जिसके चलते आजकल के बच्चे कोचिंग सेंटरों की ओर रुख कर रहे हैं, और यही कारण है कि शहर की गलियों में कोचिंग सेंटरों की बाढ़ सी आ गई है। वहीं परिजन भी बिना सोचे समझे अपने बच्चों को मोटी फीस देकर कोचिंग सेंटरों में भेज रहे हैं, लेकिन इन कोचिंग सेंटरों के संचालक सरकार के नियमों को ताक में रखकर पैसे कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, जिसके चलते कई सारे ऐसे हादसे सामने आए हैं जो बड़े ही हृदय विदारक है। लेकिन जिम्मेदारों की नजर इन पैसे कमाने वाले अड्डों पर जाती ही नहीं। हाल ही में गुजरात के एक कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ है वो वाकई रूप का पाने वाला है। आखिर कैसे हुआ ये भयानक हादसा, क्या था इस आगजनी का कारण, देखिए एनबीसी की ये विशेष रिपोर्ट। दरअसल ये हृदय विदारक घटना गुजरात के सूरत स्थित एक आर्ट क्लास की है, जहाँ शुक्रवार को ये हादसा हुआ है। जिस बिल्डिंग में ये क्लास चल रही थी वो 4 मंजिला थी और 3री मंजिल में ये क्लास चल रही थी, तभी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से ये सभी बच्चे अपनी जान बचाने के लिए 4थी मंजिल पर चले गए। उधर देखते ही देखते ही आग बिल्डिंग की 4थी मंजिल तक भी पहुंच गई और बच्चे चिल्लाने लगे। कई सारे बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के 4थे माले से ही छलांग लगा दी। एक आग इतनी खतरनाक थी कि इसमें 20 बच्चे जिंदा जल गए, वहीं एक बच्चे की नीचे कूदने से मौत हो गई। आपको बता दें कि जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें 18 लड़कियां जबकि 3 लड़के शामिल है, वहीं इन बच्चों की उम्र 15 से 22 साल के बीच है। वहीं इस घटना में 11 बच्चे ऐसे भी है जो गंभीर रूप से घायल है। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय कोचिंग में करीब 40 से 45 बच्चे थे। जैसे जैसे आग बढ़ती गई ये बच्चे बचने के लिए ऊपर की ओर चले गए और एक के बाद एक नीचे छलांग लगाने लगे। महज 18 सेकंड में करीब 12 बच्चों ने आग से बचने के लिए नीचे छलांग लगा दी। हालांकि नीचे खड़े लोगों ने इनमें से 11 बच्चों को बचा लिया, लेकिन बदनसीबी रही कि एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं हादसे के दौरान दमकल की लापरवाही भी सामने आई। सूचना के बाद दमकल तो मौके पर पहुंच गई लेकिन उसमें पानी ही नहीं था। ये जो हादसा हुआ है इसमें प्रशासन से लेकर निगम की भी गलती सामने आ रही है। दरअसल जिस बिल्डिंग में ये कोचिंग चल रही थी वो कागजों में 3 मंजिल की ही थी, ना तो मौके पर फायर फाइटिंग सिस्टम था और ना ही इमरजेंसी में बचने का कोई रास्ता। हालांकि लापरवाही सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन की नींद हादसा होने के बाद ही क्यों टूटती है? कैसे ये अवैध कोचिंग और अन्य संस्थान कानून की नजरों से बचे हुए हैं? आखिर कब तक देते रहेंगे इस लापरवाही की आग में बेगुनाहों की बलि? जवाब जरूरी है। फिलहाल इस स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।